हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? राधे राधे। मेरा चैनल पुष्पा गौड़ क्रिएटिव आइडिया में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैंने बहुत ही प्यारा आइटम बनाया, बहुत ही प्यारा। क्योंकि ना मैं इतना प्यारा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा आइटम है और आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को बहुत 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 पसंद आने वाला है। और यूट्यूब पे ये फर्स्ट बार होगा कि ऐसा आइटम मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मैंने अपने ही दिमाग से इजाद किया है, तो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत ही खूबसूरत आइटम है दोस्तों, आप लोगों को 100% पसंद आने वाला है। और ऐसा आइटम है, मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि ये आइटम वास्तव में इतना अच्छा है, ये तारीफ के काबिल है और आप लोगों को भी बहुत पसंद आने वाला है। बहुत ही ईजी और आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है। तो चलिए गाइस, देखते हैं हमने हमारा कौन सा आइटम तैयार किया है। आइए, उससे पहले दोस्तों लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरा वीडियो पूरा देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आप लोगों के मोटिवेट करने से ही मैं मोटिवेट होती हूँ। गाइस, देखते हैं हमने हमारा आइटम कौन सा तैयार किया है। चलिए, हेलो गाइस, हाउ आर यू? देखिए ये मैंने कितना सुंदर, एकदम गुलाब की पंखुड़ियों जैसी मैंने पायदान बनाया है, डोरमेट कह सकते हैं इसको। बड़ा ही प्यारा डिज़ाइन है। इसको मैंने कैसे बनाया आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरे पास ये पुराने डोरमेट रखे हुए थे, जिनके पीछे देखिए कुछ लिक्विड जैसा, पाउडर जैसा लगा होता है, ताकि ये एक जगह से हिले नहीं। तो ये सब हट गया था, पुराने हो गए थे। तो मैंने ये देखिए, दूसरा एक और था, उसको बिल्कुल धो के साफ कर लिया है। इसी को हम आज रीयूज़ करेंगे। और ये देखिए, मेरे पास पुरानी कंबल थी, जो सर्दियों में छोटे बच्चों को, मैंने मेरे बच्चों को उड़ाती थी मैं इन। ये ज़्यादा हैवी नहीं होते हैं तो बच्चों के लिए, ये गर्म भी होती है और बहुत ही लाइट वेट होती है। तो इसी को मैंने आज यूज़ में लिया है। छोटे छोटे से 5x5 के हमने पहले पीस कर लिए थे, फिर इनको हम और 4 भागों में छोटे छोटे पीस करेंगे। और फिर देखिए, मैंने मेज़रमेंट लिया है, इस कॉर्नर पे मैंने 9 इंच का एक निशान बनाते हुए, चारों तरफ 9 इंच का ही हम निशान बनाएंगे, तो एक गोलाई आ जाएगी कॉर्नर पे। इस तरह से हमें पेन से निशान लगा लेना है। इस कॉर्नर में हमें इस तरह से बनाना है, इसके जस्ट अपोजिट भी ऐसा ही कॉर्नर हमें 9 इंच का और तैयार करना है। तो देखिए, ये जो मैंने 5x5 का जो पीस कटिंग किया था, इसमें से हम और 4-4 पीस और कटिंग करेंगे। 1 के 4 करेंगे, फिर 1 के 4-4 और करेंगे। तो इस तरह से हमें छोटे छोटे से ये पीस तैयार करने हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से और 4-4 पीस हम एक साथ इनमें जोड़ेंगे। और जिसके देखिए, हम गोल गोल इसे घुमाते हुए एक एक कॉर्नर, जैसे 10 पैसे के सिक्के आते थे उसी तरह से स्टार जैसे, हमको इसको गोल गोल घुमा के कॉर्नर निकाल लेना है। तो इस तरह से मैंने निकाला है, 4 पीस लिए हैं। अब मैंने सुई में 4 भाग में मैंने धागा लिया है, 4 लेयर धागे की लिए, ताकि ये मजबूत हो। और हमने सुई में पिरो के बीचों बीच इसमें टाका लगाया है और ज़ोर से खींचने पे ये सॉफ्ट होती है, जो एक फ्लावर जैसा इसका लुक आता है दोस्तों, देखिएगा आप लोग। और इसके जस्ट पास से हमें और इसी तरह से 4-4 को पिरो के सुई में इस तरह से हमें 2-2 सिलाई लगा लेनी है, ताकि ये मजबूत हो जाए, क्योंकि हमारा धागा भी 4 लेयर है, तो ये बहुत ही मजबूत बनकर तैयार होगा। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जो लाइन हमने ड्रॉ करी थी, उसके ऊपर हम इस तरह से पास पास में, बिल्कुल पास पास में हमें इस तरह से करना है, ताकि ये वेलवेट जैसा लुक आए, पंखुड़िया जैसी ये दिखे, और बड़ा ही प्यारा डोरमेट बनकर तैयार होगा दोस्तों। देखिए, अब सबसे बड़ी बात यह है कि कंबल में से कोई धागा, कोई रेसे निकलते नहीं हैं। तो ये बहुत ही सुंदर सा और बड़ा ही सॉफ्ट सा पायदान, डोरमेट कह सकते हैं, ये बनेगा। तो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ शेयर कर रही हूँ दोस्तों, देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, ये दोनों कॉर्नर हमारा तैयार हो चुका है। अब हमें एक मेज़रमेंट और लेना है, हमें एक 5-5 इंच का, 5 इंच का एक मेज़रमेंट और लेना है, और गोलाई से हमें इस तरह से निशान लगा लेना है, ताकि हम डोरमेट में कोई डिज़ाइन ड्रॉ कर सके। और डिज़ाइन से बनाएंगे तो बड़ा ही प्यारा और सुंदर लुक देगा दोस्तों। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही बना है, क्योंकि कंबल मेरी पुरानी हो चुकी थी। एक ये कंबल लेंगे और एक दूसरे कलर की और लेंगे। दोनों ही कंबल मेरे घर पे पुरानी रखी हुई थी, यूज़ में आई हुई थी, और अब उसे कोई यूज़ में नहीं लेता था, क्योंकि अब तो बहुत ही अच्छे अच्छे कंबल आ गए हैं दोस्तों। तो ये पुराने कंबल को मैंने यूज़ में लिया। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से डिज़ाइन ड्रॉ करिए,
और बीच में जो हिस्सा था उसमें मैंने पिंक पर्पल कलर की मेरे पास जो कंबल थी उसको मैंने यूज़ में लिया है। इसी तरह से चार चार लेयर में हमने सुई में पिरोया है और बीचों बीच हमें इस तरह से सिलाई लगानी है और वापस सुई को निकाल के ज़ोर से धागे को खींचना है ताकि ये फ्लावर जैसा बने। और ये देखिए दोस्तों, इसमें से कोई धागा, कोई रेशा कुछ भी नहीं निकलता है और बहुत ही सॉफ्ट है क्योंकि चार चार लेयर में हमने कपड़ा लिया है, तो ये बहुत ही सॉफ्ट है। एक अंगुली से भी ऊपर हाइट में ये आया है हमारा। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि ये डोरमेट बनकर कितना सुंदर लग रहा है। अभी से सुंदर लगता है, जब ये पूरा बन जाएगा तो आप लोग देखिएगा दोस्तों। और इसी में मैं आपको और भी बहुत सारे पायदान बनाना सिखाऊंगी, अलग अलग तरीके से सिखाऊंगी। देखिए दोस्तों, बिल्कुल पास से देखिए, नज़दीक से देखिए, बड़ा ही प्यारा और सुंदर सा लुक आया है इसमें। अब देखिए मैं इधर और आपको ये बनाकर बताती हूँ, कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लग रहा है। ये छोटे छोटे पीस को हमें चार हिस्सों में लेना है। फिर से बता रही हूँ मैं, धागे बहुत ही सरल और आसान तरीके से मैंने ये डोरमेट तैयार किया है दोस्तों। हाँ, टाइम तो ज़रूर लगता है लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आप समय निकालिए। ये पैरदान रखा हुआ इतना सुंदर लगता है, इतना सुंदर लग रहा है, मैं आपको बता देखिए पीछे से भी मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने कितने बारीक बारीक सिलाइयाँ लगाई है और बहुत ही मजबूत से सिलाई लगाई है ताकि ये बाद में खुल ना सके और मजबूत डोरमेट बनकर तैयार हो। तो दोस्तों, इस तरह से हम अगर डोरमेट बनाते हैं तो देखिए, मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ आपको, इसकी पंखुड़ियाँ देखिए, इसका मखमली, ये एकदम इतना प्यारा मखमल जैसा बना है, एकदम गुलाब की पंखुड़ियाँ जैसी। आप हाथ घुमाकर देखिए, बहुत ही सॉफ्ट है। तो ये बहुत ही सुंदर सा आइटम तैयार हुआ दोस्तों। आप लोगों को कैसा लगा लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, मुझे पता लगे कि आप लोगों को किस टाइप के वीडियो पसंद आते हैं। ये मेरा आइटम आपको पसंद आया है या नहीं आया, ये प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, उससे मुझे भी पता चलेगी आप लोगों को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है। आगे मैं काफ़ी चीज़ें और लेकर के आऊँगी, दीपावली आ रही है तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें और बनानी है। तो देखिए, इसमें पैर भी आराम से पहुँचे जा रहे हैं और बहुत ही सॉफ्ट सा है, बहुत ही प्यारा है, ऐसे लग रहा है कि बस लिपट जाऊँ इसे। और बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगेन थैंक्स।